हाँ देखिए, मैग्नेटिज मूव विद द फास्टेस्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिसिटी टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो जो ईएमएफ है उसको यहाँ पे ई बताया गया है, और जो आपका इंड्यूस्ड करंट है ठीक है वो आपको बताया गया है क्या आई, और हमारे पास जो इंड्यूस्ड चार्ज है ठीक है उसे बताया गया है कि ठीक द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज डबल्ड ठीक है। सो आपको पता है कि ईएमएफ जो होता है वो होता है कितना, डी फाई अपॉन तुम्हारे पास डी टी, आई इज इक्वल टू होता है कितना, ई अपॉन आर, बोले तो डी फाई अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन आर, और आई जो होता है वो होता है डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी टी, डी फाई अपॉन तुम्हारे पास डी टी इंटू वन अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया। सो इंड्यूस चार्ज इज डी फाई अपॉन आर ठीक है, और अगर एन फाई की बात करें तो ये तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स ठीक साथ में रहते हैं। चलो इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज डबल्ड, अगर मैग्नेट की स्पीड डबल करेंगे, अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स पासिंग थ्रू ईच टर्न बढ़ेगा ठीक है, तो इसकी वजह से तुम्हारे पास ई एम एफ बढ़ेगा, तो ई तुम्हारे पास इंक्रीजेस। अगला इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज डबल्ड आई इंक्रीज करेगा, अब सिंपल सी बात है ई बढ़ेगा तो तुम्हारे पास आई भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा ठीक। इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज डबल्ड देन क्यू बढ़ेगा, क्यू घटेगा, क्यू तो क्यों चेंज होगा सर, उसका क्यों स्पीड से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, क्यू सेम रहेगा ठीक। द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज हाफ, अगर मैग्नेटिक स्पीड हाफ हो जाएगी तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक स्पीड हाफ हो जाएगी तो क्या क्यू घटेगा, नहीं तो आई और ई घटेगा ठीक। इधर स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज हाफ तो क्या तुम्हारे पास होगा, ई इंक्रीज हो सकता है, नहीं ये इंक्रीज हो सकता है, क्यू सेम रह सकता है, हाँ ये ठीक। अगला द माइग्रेटरी बर्ड्स पैटर्न इन वन ऑफ इज वन ऑफ द मिस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, फॉर एग्जांपल एवरी विंटर बर्ड फ्रॉम द साइबेरिया फ्लाई अनएरिंगली टू वाटर स्पॉट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देयर हैज बीन अ सजेशन दैट देयर टू इंडिया ठीक है। अब ये कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा आराम से ठीक है, मतलब कुछ बहुत नई चीज नहीं बतानी है उसमें ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन करते हैं इनका, एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, एक तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक कॉइल है ठीक है, और ये किसी भी तरीके की कोई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग तो जानते हैं ईएमआई में हम लोगों ने इसको बहुत देखा है कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉइल अरेंजमेंट किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा। Anyways, produced in a coil which is not connected to external voltage source, this can be due to. अब ये कह रहा है कि ईएमएफ तो पैदा हुआ है कॉइल में ठीक है, जो कि कनेक्ट नहीं है किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से ठीक है, ये तुम्हारे पास किस वजह से हो सकता है। पहला द कॉइल बीइंग इन टाइम वेरिंग मल्टीपल, टाइम वेरिंग मल्टीपल का मतलब है कि बी तुम्हारे पास वेरी कर रहा है, वी वेरी कर रहा है मतलब फील्ड लाइन तुम्हारे पास जो कि इससे पास हो रही है वो तुम्हारे पास वेरी कर रही होंगी ठीक है। ठीक है भाई, तो फील्ड लाइंस जो पास हो रही होंगी वेरी कर रही होंगी, अगर फील्ड लाइंस वेरी कर रही होंगी तो तुम्हारे पास ईएमएफ आना लाजमी है ठीक। सही है, द कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई एक लेट सपोज फील्ड है ठीक है, लेट सपोज ये एक फील्ड है और एक कोई कॉइल है जो कि अंदर दाखिल होने वाली है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट होती तो भी फ्लक्स आ जाता है ना, चेंज हो जाता और ईएमएफ आ जाता, तो तुम तो मूव कर वेरी कर रहे, वेरी करने का मतलब है पहले 10 टेस्ला है, फिर तुम्हारे पास 11 टेस्ला या 12 टेस्ला, या तो बढ़ रही होगी तो घट रही होगी ठीक। तो ये कह रहा है कि कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल तुम्हारे पास मूव कर रही है एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे, इसको ऐसा भी ले सकते हैं या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि एक तुम्हारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है, और ये वेरी कर रही है और कॉइल इसके अंदर मूव कर रही है ठीक है, तो अगर कॉइल अगर इसके अंदर मूव कर रही है तो अंदर मूव करने से अगर ये कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती तो फ्लक्स चेंज नहीं होता, लेकिन फील्ड ही वेरिंग है तो चेंज हो जा रहा है ठीक है। तो इसको आप इनटू वर्ड में लेना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो रहे हो, और इसको आप इन वर्ड में लेना, तो थोड़ा सा अंग्रेजी पर जरा खास ध्यान रखा जाए ठीक, सवालों करते वक्त तो ये भी एक आंसर बन सकता है। तो कॉइल मूविंग आउट ऑफ अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ से कोई कॉइल जो है बाहर की तरफ हो रही है बस, फिर से फील्ड लाइन घट रही है, ये भी सही हो सकता है, तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा ए।
and MF is produced in the coil which is not converted to any external voltage. So this can be due to all of the above. Yes, are option right. Agla. A circular coil expands radially in a region of magnetic field. ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पे कोई एक जो है मैग्नेटिक फील्ड का कोई रीजन है, ठीक है, और लेट सपोज कि नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर डायरेक्टेड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डायरेक्टेड है, ठीक है। अब समझना इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ये समझने वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक। देखना, इसने क्या कहा कि एक सर्कुलर कॉइल है जो कि एक्सपैंड करती है रेडियली इन अ रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे, और कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एंड नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, दिस कैन बी बिकॉज, ठीक। अब जरा देखिएगा, ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इसने कहा कि कोई ईएमएफ नहीं आया, ईएमएफ नहीं आया इसका मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास उसी सेम प्लेन पे है जिस प्लेन पे सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अच्छा, जिस प्लेन पे सर्कुलर कॉइल है इसका मतलब फील्ड लाइंस तुम्हारे पास मान लेते हैं ऐसी है, ठीक है। अगर फील्ड लाइंस तुम्हारे पास ऐसी हैं और रेडियली तुम क्या नाम है एक्सपेंड करवा रहे हो तुम्हारे पास कॉइल को, तो यार फ्लक्स लाइंस कैसे तुम्हारे पास बढ़ेंगी या घटेंगी, है ना, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता कि भैया हम ये प्लेन है और इधर की तरफ फील्ड लाइंस है और हम इसको जो है रेडियली तुम्हारे पास एक्सपेंड करवा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा कॉइल से। तो इसने कहा कि द मैग्नेटिक फील्ड उसी सेम प्लेन पे है जिस प्लेन पे सर्कुलर कॉइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट वेरी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वेरी कर भी जाए, हो सकता है वेरी ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस केस में पहले वाले केस में क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना, हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो हो सकता है आंसर, ठीक। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हूज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग तुम्हारे पास सुटेबली। अब इसने कहा कि लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये तुम्हारे पास कोई बी वेक्टर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास थीटा है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया बी कॉस थीटा, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा के कॉन्स्टेंट रहने से या फिर वेरिएबल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब ये तुम्हारे पास कंपोनेंट है ना बी, तुम्हारे पास कॉस थीटा, ये तुम्हारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब इसके बढ़ने और घटने से 100% यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा इस पर्टिकुलर कॉइल से, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कॉइल से तुम्हारे पास चेंज होगा तो फिर तुम्हें फ्लक्स तो आने का नहीं, तो आप तो फिर नहीं हो पाएंगे, आप तो फिर आंसर ही नहीं हो सकते, ठीक है, आप तो जो है फिर तुम्हारे पास आंसर नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब देखिए जरा क्या बोल रहा है, और ये फील्ड तुम्हारे पास जो है पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से फील्ड कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट है तो कहाँ पे फील्ड चेंज हो रही है, तो सर ये नहीं आ सकता इसमें फ्लक्स, ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारे पास बोथ ए एंड, ठीक है। अच्छा, a migratory sovereign bird is flying in the sky with a velocity of 10 meters per second, the distance between the two feathers is enough. The earth's magnetic field B perpendicular to feathers is enough. अरे भाई सिंपल सा है, E equals to लगा दो, B V L काम करता है, निकल जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने एरोप्लेन वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, ठीक है, E equals to B V L लगाओ, आंसर निकालो, ठीक। A moving conductor's coil, the moving conductor's coil produces an induced EMF, this is in accordance with. अब इसने कहा कि a moving conductor's coil, ठीक, produces an induced EMF, moving conductor's coil. बात समझिएगा, moving conductor's coil क्या मतलब है? Produces an induced EMF, this is in accordance with. हमको पता है कि लेंज लॉ जो है सब काम होता है डायरेक्शन, ठीक है, कूलम्स लॉ का यहाँ आंसर से मतलब नहीं, एम्पियर लॉ का भी यहाँ से कोई मतलब नहीं है। इसने कहा कि moving conductor's coil जो है वो प्रोड्यूस करती है तुम्हारे पास induced EMF, this in accordance with. E equals to होता है तुम्हारे पास क्या d phi upon तुम्हारे पास dt, नंबर d phi upon तुम्हारे पास dt। अब अगर कोई पर्टिकुलर कॉइल मूव कर रही है, ठीक है, कॉइल का मूवमेंट एक्जेक्टली हो रहा है, तो सिंपल सी बात है जो फ्लक्स चेंज होगा उसी की वजह से तुम्हारे पास इंड्यूस ईएमएफ आता है, तो इंड्यूस ईएमएफ को पैदा करने के लिए फैराडे है और लेंथ जो है वो तुम्हारे डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, इनका आंसर आएगा 8 माइक्रो वोल्ट, याद रखिए, मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, 0.126 वोल्ट ये आंसर आएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सो करके देखिएगा। अगला,
अगला तुम्हारे पास पूछा गया है क्या, अगला तुम्हारे पास पूछा गया है कि व्हेन अ कंडक्टर ऑसिलेट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इमीडिएटली क्रिएट्स एन अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच रिजल्ट्स इन द डैम्पिंग ऑफ द मैग्नेट एंड प्रोड्यूसेस हीट इनसाइड द कंडक्टर सिमिलर टू हीट बिल्ड अप इनसाइड ऑफ अ पावर कॉर्ड यूज्ड, ठीक है, बाय लेंज लॉ द सर्कुलेटिंग करंट्स क्रिएट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस द फील्ड ऑफ द मैग्नेट दैट्स अ मूविंग कंडक्टर experiences the track force that opposes its motion. A damping force is generated when these electrons in magnetic field interact with each other. It is a damping technique where automatically induced currents slow down the motion of another without any actual contact. As the distance of the magnet and the conductor decreases, the damping force increases. जैसे जैसे तुम्हारे पास ये particular जो है बीच में आती जाएगी ना, तुम्हारे पास जैसे जैसे particular तुम्हारे पास बीच में आती जाएगी, वैसे वैसे यही तुम्हारे पास जैसे जैसे पर्टिकुलर बीच में आते जाएगी वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो एडी करंट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड एडी करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हिच इंप्लाइज दैट फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स ग्रेटर विल बी द डैम्पिंग. जितना तेजी तेजी ऑब्जेक्ट भागेगा उतनी जल्दी भी क्या नाम है डैम्पिंग होगी एंड स्लोर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मोशन को उतनी क्या नाम है जल्दी स्लो कर देंगे. लोअर विल बी द डैम्पिंग विच रिजल्ट्स इन द स्मूथ स्टॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसने कहा कि फास्टर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो डैम्पिंग ज्यादा होगी, और स्लोअर है तो लोअर डैम्पिंग होगी, अमाउंट ऑफ डैम्पिंग कम होगा, विच रिजल्ट इन स्मूथ स्टॉपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. चलो अब ये एडी करंट का क्वेश्चन है. फोकॉल्ट करंट इज ऑल्सो नोन एज, भैया उन्होंने बताया था इसके पीछे जो साइंटिस्ट है उसका नाम फोकॉल्ट है, ठीक है, तो फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं. एडी करंट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, क्यों? एडी करंट क्या हार्मफुल रेडिएशन देता है? नहीं. हीटिंग देता है? हाँ हीटिंग देता है. डैम्पिंग करता है? डैम्पिंग करता है. तो इसका मतलब है क्या, ना तो हीटिंग ना तो डैम्पिंग, दोनों रखो हीटिंग एंड डैम्पिंग, ठीक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा अपना केस बेस्ड वाला पार्ट है ना, हो सकता है उठी उसी को देते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड एडी करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आंसर हो गया डी, ठीक. अब ये क्या है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द लाइन इंटीरियर होता है इंड्यूस्ड फील्ड ई अराउंड द क्लोज पाथ, ठीक है. तो आपने एम्पियर्स लॉ जैसे पढ़ा है ना, वैसे ही तुम्हारे पास जो है ये क्या नाम ई डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रियल भी होता है, ठीक है. हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है. वैसे मैं बता दूँ इसका आंसर नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन जीरो, ठीक है. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव एंड E dot dl is तुम्हारे पास not equal to zero. अच्छा, और सर्कुलर कॉइल, अब ये जो सर्कुलर कॉइल वाला पार्ट है, फॉर्मूला लगाइएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया इतना 25 सेंटीमीटर रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर, सर्कुलर कॉइल है इस वर्टिकल डायमीटर के अबाउट तुम्हारे पास जो है रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20, अच्छा एंगुलर स्पीड दिया हुआ है और 20 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है. इधर ध्यान दे दीजिएगा कि भाई यूनिट को पकड़ोगे या लैंग्वेज को पकड़ोगे, ठीक है. तो उधर देखते क्या निकालना है, ठीक है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ये लेट्स सपोज ये इस तरीके से तुम्हारे पास जो है फील्ड थी और मैग्नीट्यूड द मैक्सिमम वोल्टेज. अच्छा, ये तुमको पता है कि ई इक्वल्स टू तुम्हारे पास ई नॉट साइन तुम्हारे पास ओमेगा टी होता है, ठीक है. तो एन ए बी तुम्हारे पास ओमेगा, ठीक है, बस ये एन ए बी ओमेगा निकालना तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा. तो आंसर वुड बी 0.5 वोल्ट, ठीक है. अगला नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि टेक टू हॉलो थिन सिलिंड्रिकल पाइप्स ऑफ इक्वल इंटरनल डायमीटर मेड ऑफ अल्युमिनियम एंड पीवीसी पाइप. ये कह रहा है कि दो तुम्हारे पास वो ले लेना और सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, और क्या नाम है इक्वल इंटरनल डायमीटर होने चाहिए, ठीक है. इक्वल तुम्हारे पास जो है इंटरनल तुम्हारे पास डायमीटर होने चाहिए, इक्वल तुम्हारे पास जो है इंटरनल डायमीटर होने चाहिए, ठीक है. फिक्स देम वर्टिकली विद क्लैंप ऑन the rod stands, ठीक सही है. Take a small cylindrical magnet having a diameter slightly smaller than the inner diameter of the pipe and drop it through each pipe in such a way that the magnet does not touch the sides of the disc, ठीक है. एक मैग्नेट लिया, ठीक है, एक cylindrical magnet लिया और ये तुम्हारे cylindrical magnet को तुम्हारे इसके अंदर डाला, ठीक है. Does not touch the sides of the pipe when such as the magnet does not touch the sides of the pipe during its fall, ठीक है. You will observe that the magnet dropped through the PVC pipe takes the same time to come out of the pipe as it would take when dropped through the same height without the pipe. इसने कहा कि अगर मैं पाइप के थ्रू नहीं गिराता हूँ डायरेक्टली इतना गिराता, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास जो टाइम लगता, ठीक है,
है, यहां से लेकर के यहां तक भी वही टाइम लग रहा है तुम्हारे पास। लेकिन लेकिन नाउ इंस्टेड ऑफ द पीवीसी पाइप अगर तुमने एक एल्युमिनियम पाइप ले लिया जो कि तुम्हारे पास एक मेटालिक पाइप की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर तुमने एक एल्युमिनियम पाइप ले लिया, नो दैट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द पाइप इज इन केस यू विल सी दैट द मैन्युफैक्चर्स मच लॉन्गर टाइम एज इन केस ऑफ द एल्युमिनियम पाइप। एल्युमिनियम पाइप के केस में तुम्हारे पास काफी समय लगा, ठीक। व्हाई सो? इट इज ड्यू टू द एडी करंट दैट हैज जनरेटेड इन एल्युमिनियम पाइप फॉर हुज व्हिच अबोल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज द मोशन ऑफ मैग्नेट। द रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू द एडी करंट इनहिबिट्स द मोशन ऑफ द मैग्नेट। सच फिनोमेना आर रेफर्ड टू एज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पर्स, ठीक। अब नोट दैट द एडी करंट्स आर नॉट जनरेटेड इन द पीवीसी पाइप, ठीक है। ये कह रहा है कि नोट दैट द एडी करंट्स आर नॉट जनरेटेड इन द पीवीसी पाइप एज इट्स मटेरियल इज इन न्यूट्रल फेज द एल्युमिनियम विद द कंडक्टर, ठीक। इफ इट वाज डिस्कवर्ड एडी करंट इन अ जनरेटेड इज पीवीसी पाइप, नहीं वुडन पाइप, नहीं ग्लास पाइप, नहीं मेटालिक पाइप से जनरेट होती है, ठीक है। कंडक्टिंग शीट्स मेटालिक शीट्स से जनरेट होती है। एडी करंट वाज कॉल्ड बाय द फॉल्ट। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? अब देखो, मान लेते हैं कि जैसे आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या नाम है एडी करंट में, कौन से कॉन्सेप्ट आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं है, आपको पता नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप कंटेंट को पढ़ना, ठीक है। आप कंटेंट को पढ़ के कम से कम ये आइडिया ले लेना कि कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। इस कंटेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको पहले से एडी करंट पता हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कंटेंट में सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, क्या होता क्या है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है? नहीं है। ए चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, नहीं। ईएम वेव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट से बनती है, वो नहीं कर पाए, ठीक। ईएम वेव नहीं, टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ द मैग्नेट मूविंग थ्रू अ मैटेलिक पाइप ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट। ये आंसर होगा। ये कैसे पता लगा? मान लो किसी ने कंटेंट पढ़ा, उसे कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यू विल सी दैट द मैग्नेट टेक्स मच लॉन्गर टाइम इन द केस ऑफ द एल्युमिनियम पाइप। क्यों हुआ ऐसे? इसलिए हुआ क्योंकि एडी करंट्स आ रहे हैं दैट आर जनरेटेड इन एल्युमिनियम पाइप हुज अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लो डाउन द मोशन ऑफ द मैग्नेट मूविंग थ्रू अ मेटालिक पाइप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस करंट। तो थोड़ा सा आप ऑप्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन कंटेंट को ठीक से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग अ मैग्नेट शुड बी ड्रॉप्ड थ्रू अ मेटल पाइप, ठीक है। एंड द मैग्नेट शुड नॉट टच द इनर वॉल ऑफ द पाइप, मैग्नेट को कैन टच नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। द मैग्नेट शुड टच द इनर वॉल ऑफ द पाइप, नहीं, ठीक। इट डज नॉट मैटर वेदर मैग्नेट टचेस द इनर वॉल ऑफ द पाइप, नहीं मैटर करता है। द मैग्नेट शुड बी लार्जर इन साइज, नहीं भाई जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक। अ पीस ऑफ वुड एंड अ बार मैग्नेट, अब एक लकड़ी का ले लियो और एक बार मैग्नेट का ले लिया सेम डायमेंशन का, इसको एल्यूमिनियम पाइप से निकाला, तो सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम पाइप मेटालिक है, ठीक है। तो वहीं पे क्या नाम है तुम्हारे एडी करंट का हिसाब किताब रहेगा, वोल्ट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। द पीस ऑफ द वोल्ट विल क्या नाम है टेक मोर टाइम टू कम आउट ऑफ द पाइप, नहीं। जो एडी करंट होगा उसे डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग होगी मोशन को दिक्कत होगी, तो बार मैग्नेट को ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। बार मैग्नेट को ना ज्यादा समय लगने वाला है रादर देन तुम्हारे उसको क्या नाम है वोल्टेज को, तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये इसने कहा कि बार मैग्नेट को ज्यादा समय लगेगा, हाँ बार मैग्नेट को ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उसके मोशन को डैम्प किया जाएगा, वोल्ट को कम समय लगेगा उसके मोशन को डैम्प नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर, ठीक। तो एडी करंट तुम्हारे पास जो है वो हीटिंग इफेक्ट और डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। डैम्पिंग का मतलब होता है मुसीबत, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन, ठीक है, इन मैकेनिक्स। चलो।